आ जाएंगे क्या है, नेता है, जमानत होती रहती है। कुछ इस तरह के तेवर थे अलवर सभापति बीना गुप्ता के चेहरे पर। जब उन्हें रिश्वत के आरोप में एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था, अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता का विवादों से चोली दामन जैसा साथ रहा है। पिछले 2 साल से जब से वह सभापति बनी है, नियम होते हैं उस दिन भी आगे चढ़ जाते हैं हर चीज़ और इंचार्ज ऐसे बात करने को मना कर दी। इंचार्ज ने इनको हम बताएंगे, इनको हॉस्पिटल चलवाएंगे इनको। मैं आराम से दो मिनट बुला लो। मैडम सुनो, बाहर के पटाखे किसने रखे ये हॉस्पिटल किसने रखे? लगातार विवादों के चलते सुर्खियों में रही हैं। अब सभापति बीना गुप्ता और उसके बेटे कुलदीप को सोमवार शाम को 80,000 रुपए की रिश्वत के साथ एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार उन्हें एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिन के लिए यानी 7 दिसंबर तक जेल भेज दिया गया है। अलवर नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड है। यहां 2 साल पहले सभापति के पद पर बीना गुप्ता काबिज हुई थी। शुरू से ही बीना गुप्ता का विवादों से नाता रहा है। कहा जाता है नगर परिषद में रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता, ना आमजन का होता है और ना ही ठेकेदारों के बिल बिना कमीशन दिए पास होते हैं। इस मामले में सभापति के खिलाफ उनकी ही पार्टी के पार्षदों ने कई बार मोर्चा खोला। सभापति के विवादों पर नजर डालें तो कभी अपनी पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान से सार्वजनिक मंच पर उलझती हुई नजर आई, तो कभी आयुक्त रहे कुमार संभव अवस्थी पर मारपीट किए जाने के आरोप उन पर लगे। ऐसे अनेकों विवाद 2 साल में सामने आए, जिसकी वजह से सभापति बीना गुप्ता हमेशा सुर्खियों में रही। सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि कमीशन और रिश्वत का सारा खेल सभापति के घर से होता था। जब तक कमीशन घर नहीं पहुंच जाता, तब तक ठेकेदार के बिल के चेक पर साइन नहीं होते थे। इस काम के लिए सभापति का बेटा कुलदीप गुप्ता इस काम को देखता था। एसीबी मुख्यालय को मोहनलाल नामक व्यक्ति ने शिकायत दी थी। सभापति उसके बिल पास करने की एवज में उससे कमीशन मांग रही है। मोहनलाल नगर परिषद द्वारा बेची जाने वाली दुकानों और जमीनों की बोली लगाने का काम करता है, जिसमें उसे प्रचार प्रसार व टेंट से लेकर पूरी बोली की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसकी एवज में नगर परिषद उसे 2% कमीशन देती है, जिसमें से सभापति 1% कमीशन लेती है, जैसा मोहनलाल ने आरोप लगाया। हाल ही में गायत्री मंदिर रोड पर 17 दुकानों की बोली लगवाई गई थी, जिसका करीब 8 लाख रुपए का बिल था, जिसकी एवज में रिश्वत के तौर पर 3.5 लाख रुपए की मांग सभापति द्वारा की गई थी, जिसमें से कुछ रकम वह पहले भी दे चुका है। अब 1,73,000 रुपए के बकाया बिलों को पास कराने के लिए शेष रिश्वत की राशि मांगी जा रही थी। इसका सत्यापन एसीबी की टीम ने कराया और परिवादी मोहनलाल को रिश्वत की राशि लेकर भेजा गया, जहां सभापति ने रिश्वत के पैसे अपने बेटे कुलदीप को देने के लिए कहा। पैसे लेते ही एसीबी की टीम ने सभापति और उसके बेटे को 80,000 रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम द्वारा सभापति के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उन्हें करीब 0.5 किलो सोना, 2 किलो चांदी बरामद हुई। टीम ने दोनों आरोपियों का मेडिकल करवाकर रात को अरावली विहार थाने में रखा और उन्हें मंगलवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। जहां से 7 दिसंबर तक न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दे दिए। इस दौरान सभापति बीना गुप्ता की तबीयत बिगड़ गई थी। जैसा 170 के टैक्स में कोई नहीं देता है, राजनीतिक ही षड्यंत्र है, कुछ नहीं कर रहा है, फंसाया गया है, शुरू से ही 2 साल से ही फंसा रहे।